गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर में चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है एक्सेस टेबल एंड फॉर्म्स, मतलब टेबल और फॉर्म्स के ऊपर एक्सेस करना, उसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस का यूज करना। टेबल क्या होती है? सबसे पहले रो और कॉलम्स की फॉर्म में हमारी टेबल होती है। टेबल के अंदर कोई भी डाटा हो सकता है, जैसे कि आपके क्लास का रिकॉर्ड हो सकता है। किसी टेबल के अंदर आपके नेम, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, मार्क्स, कुछ भी। तो वो क्या होती है? एक टेबल होती है जो हम अपने कंप्यूटर में एज ए रिकॉर्ड सेव करते हैं। तो अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्किंग विद डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल क्या होती है? ए डेटाबेस टेबल इज कंपोज ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड दैट होल्ड डाटा। एक डेटाबेस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स हो सकते हैं और फील्ड होते हैं। रिकॉर्ड मतलब जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसका पूरा रिकॉर्ड क्या होगा? स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, उसके सभी सब्जेक्ट में मार्क्स, टोटल मार्क्स, मतलब एक स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब एक रिकॉर्ड। एक फील्ड क्या होगा? जैसे कि नेम, सभी स्टूडेंट्स के नेम जो कॉलम में होते हैं, सभी स्टूडेंट के रोल नंबर, सभी स्टूडेंट के फादर नेम, वो क्या है? फील्ड है। रिकॉर्ड मतलब एक स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड, उसकी सारी चीज़ें, नेम, मदर नेम, फादर नेम, रोल नंबर या कुछ भी। फील्ड मतलब सभी स्टूडेंट का नाम या सभी स्टूडेंट का रोल नंबर, मतलब किसी एक चीज़ की इंफॉर्मेशन सभी स्टूडेंट की। तो जो ये टेबल होती है, इसको हम डेटाबेस कहते हैं, डेटा शीट कहते हैं। सेलेक्शन डेटा इन ए टेबल, किसी टेबल के अंदर हम डेटा को कैसे सेलेक्ट करेंगे? अगर हमें टेबल के अंदर कोई टास्क परफॉर्म करना है, कोई काम करना है, टेबल में कुछ चेंज करना है, तो उससे पहले हमें उस टेबल के अंदर डेटा को सेलेक्ट करने की ज़रूरत होती है। जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं किसी डेटा को, तो वो हाईलाइट हो जाता है, वो स्क्रीन के ऊपर अलग से दिखाई देने लगता है। तो हम टू मेक आ सेलेक्शन परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। अगर मान लीजिए हमें किसी फील्ड को सेलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे? प्लेस योर माउस पॉइंटर ओवर द नेम ऑफ द फील्ड। मान लीजिए हमें एक फील्ड सेलेक्ट करना है जिसका नाम है नेम। ये देखिए, हमें नेम नाम का या फिर क्लास नेम से या कोई भी एक फील्ड सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? माउस पॉइंटर को इस फील्ड के ऊपर लेके आएंगे। माउस पॉइंटर जो है वो इस तरह से दिखने लगेगा, एरो की तरह। ये देखिए, इस तरह से आपका माउस पॉइंटर दिखने लगेगा। अब इस फील्ड के ऊपर हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, तो हमारा ये पूरा का पूरा फील्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें दो या दो से ज़्यादा फील्ड सेलेक्ट करने हैं, हमें नेम, क्लास और डांस, यहाँ डांस लिखा हुआ है, इन तीनों फील्ड को सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? माउस पॉइंटर को सबसे पहले फील्ड के ऊपर लेके आएंगे और हम माउस को ड्रैग कर लेंगे। कहाँ तक? मतलब माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके उसको ड्रैग करते जाएंगे जहाँ तक हमें सेलेक्शन चाहिए। उसके बाद सेम तरीके से हम रिकॉर्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्ड मतलब एक स्टूडेंट की पूरी डिटेल, जो कि जो रिकॉर्ड होता है वो किस में होता है? रोज में होता है, और फील्ड होते हैं वो कॉलम के अंदर। हमें अगर एक रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है, तो ये देखिए, हम माउस पॉइंटर को इसके ऊपर लाएंगे और माउस पॉइंटर को एक रिकॉर्ड के ऊपर लेके आए, जो उसके बाद हमारा माउस पॉइंटर इस तरह से दिखने लगेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो पूरा रिकॉर्ड हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, हमारी स्क्रीन पर हाईलाइट हो जाएगा। अगर हमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है, तो इसी तरह हमने माउस पॉइंटर को यहाँ रखा, उसके ऊपर क्लिक किया और माउस को हमने नीचे की तरफ ड्रैग किया। जितने रिकॉर्ड हमें सेलेक्ट करने हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे और अलग से स्क्रीन पर हाईलाइट होंगे। सेलेक्टिंग अ सेल, हमें कोई एक पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करनी है, जैसे कि सिर्फ ये। इस पर क्या लिखा हुआ है देखिए,
इस पर लिखा हुआ है बेटा सोनम, आपको शायद यहाँ दिखाई ना दे, आप अपनी बुक में देखना। तो हमें सिर्फ ये सोनम नेम को ही सेलेक्ट करना है। तो हम अपने माउस पॉइंटर को लेकर आएंगे, इस सेल के ऊपर एक प्लस का साइन दिखेगा हमें कुछ इस तरह का। माउस पॉइंटर को जब हम इसके ऊपर लेकर आएंगे तो जो हमारा पॉइंटर है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। अब हम सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह हमें एक से ज़्यादा अगर सेल्स को सेलेक्ट करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, माउस बटन को हम प्रेस ही रखेंगे, रिलीज नहीं करेंगे, और उसके बाद इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। जितने भी सेल हमें सेलेक्ट करने हैं हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम। यूजिंग द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर, यू कैन फाइंड अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड एंड रिप्लेस द सेम रिकॉर्ड विद सम अदर टेक्स्ट इन अ लार्ज डाटाबेस। लार्ज डाटाबेस, बहुत बड़े डाटाबेस के अंदर अगर हमें कोई एक रिकॉर्ड सर्च करना है, फाइंड करना है, और उसको किसी दूसरे नेम के साथ किसी रिप्लेस करना है किसी के साथ, तो हम इजीली कर सकते हैं। फाइंड ऑप्शन का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस ऑप्शन का यूज करके हम रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्या करते हैं हम इसमें। फाइंड अलाउज यू टू क्विकली सर्च डाटा इन टेबल क्वेरीज एंड फॉर्म्स फॉर स्पेसिफाइड डाटाबेस टास्क। फाइंड का, फाइंड मतलब होता है पता लगाना, ढूंढना। तो इसके अंदर हम फाइंड का यूज करके टेबल के अंदर से कोई भी डाटा आसानी से ढूंढ सकते हैं ताकि हम उस डाटाबेस पर काम कर सके। अब देखिए कि हमें इस फील्ड के अंदर से, इसमें ना डांस के डाब लिखे हुए हैं, मान लीजिए हमें इस फील्ड के अंदर से कोई एक डांस का नाम ढूंढना है तो हम क्या करेंगे। ओपन द टेबल फ्रॉम विच यू वांट टू फाइंड द इंफॉर्मेशन। हम उस टेबल को ओपन करेंगे जिसमें से हम इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहते हैं। सेलेक्ट द फील्ड डैट यू वांट टू सर्च। हम फील्ड को सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें कुछ सर्च करना है। फील्ड को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, होम पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, होम पर क्लिक करने के बाद हम फाइंड पर क्लिक करेंगे जो रिबन खुलेगा इसमें से, या फिर डायरेक्ट हम कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे तो हमारा ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स हमें दिखेगा हमारी स्क्रीन पर। हम फाइंड में गए, हमने क्या सर्च करना है, मान लीजिए हमें हिप हॉप को सर्च करना है तो हम इस पर लिख देंगे, टाइप कर देंगे हिप हॉप। इसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शन है कि हम एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं या हम किस तरह की सर्च हम कैसे ब्रॉड कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट द फॉलोइंग ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ये जो ऑप्शन है हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। लुक इन ड्रॉप डाउन बॉक्स अलाउ यू टू सर्च ओनली द करंट फील्ड। अगर इसमें हम करंट फील्ड को अगर हम चूज़ करते हैं लुक इन के अंदर, तो हमारा जो करंट फील्ड है डाटा सिर्फ उसी के अंदर से सर्च होगा। इसके बाद क्या है, मैच होल फील्ड, मतलब अगर हम होल फील्ड को सेलेक्ट करेंगे या कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा डाटा सर्च होगा। होल फील्ड का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब हम पूरे के पूरे टेबल, पूरे के पूरे डेटाबेस में से, अगर सारे फील्ड में से वो इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं तो हम इसको होल फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। सर्च ऑल, सेम मतलब है कि कंप्लीट डेटाबेस के अंदर हमें कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो हम ऑल पर क्लिक करेंगे। मैच केस है, उसके बाद सर्च फील्ड एज फॉर्मेटेड। मैच केस और जो सर्च फील्ड एज फॉर्मेटेड है ये चेकबॉक्स है। अगर हम मैच केस पर सेलेक्ट करते हैं तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, टू फाइंड ओनली टेक्स्ट, हम सिर्फ वो टेक्स्ट ढूंढ सकते हैं जिसका सेम पैटर्न है अपर केस या लोअर केस करेक्टर। मतलब जैसे कि हमने हिप हॉप लिखा है, एच कैपिटल है, और हॉप के अंदर भी एच कैपिटल है, तो इसमें सिर्फ वही चीज़ सर्च होएगी जो एग्जैक्ट इसकी पैटर्न से मैच होती है। सर्च फील्ड एज फॉर्मेटेड चेकबॉक्स अलाउ यू टू चेक द सर्च बेस ऑन द फॉर्मेट रेदर देन वैल्यू। इसमें हमने अपनी जो सर्च को और ज़्यादा ब्रॉड किया हुआ है कि जिस फॉर्मेट में हमने इसके अंदर लिखा है, मतलब किस तरह की लैंग्वेज में, टाइम्स न्यू रोमन यूज किया है या कुछ और फॉर्मेट यूज किया है, तो उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ ही सर्च होगा। क्लिक ऑन द फाइंड नेक्स्ट बटन। तो ये सब ऑप्शन हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम
फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मेन क्या है इसमें, ये तो हमारा बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया, कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है, अदरवाइज़ जो हमें सर्च करना है वो हम इसमें लिखेंगे, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हिप हॉप हमने सर्च करना था, तो जब हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो एक्सेस टेबल है, जहाँ पर भी फर्स्ट नंबर पे हिप हॉप लिखा आ रहा है, उस सेल को वो सेलेक्ट कर देगी। इसके बाद हम कैंसिल कर देंगे ये वाला डायलॉग बॉक्स क्लोज करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है आपका रिप्लेस ऑप्शन। अब हमें आफ्टर फाइंडिंग द डाटा यू कैन रिप्लेस इट विद सम अदर टेक्स्ट यू स्पेसिफाई। डाटा को फाइंड करने के बाद आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सेम है हमारे पास फाइंड और रिप्लेस जो हमारे पास आया था डायलॉग बॉक्स। क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हम सेलेक्ट द फील्ड, वही जो फील्ड हमें सेलेक्ट करना है वो कर लेंगे, होम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर तो फाइंड था, यहाँ है रिप्लेस। अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो कंट्रोल प्लस एच को प्रेस करेंगे, हमारा रिप्लेस बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड व्हाट, क्या हमें ढूंढना है और किससे रिप्लेस करना है। हमें हिप हॉप को ढूंढना है और भरतनाट्यम से रिप्लेस करना है। फाइंड में हम हिप हॉप लिखेंगे, रिप्लेस किससे करना है, भरतनाट्यम से। उसके बाद इसमें भरतनाट्यम लिखेंगे और रिप्लेस ऑल, इसका सेलेक्ट द रिप्लेस विद टेक्स्ट बॉक्स बाय क्लिकिंग इट एंड टाइप भरतनाट्यम, क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जितनी भी बार आपका हिप हॉप लिखा हुआ है वो सारा भरतनाट्यम में चेंज हो जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ पर आपका इस फील्ड के अंदर हिप हॉप लिखा है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, भरतनाट्यम लिखा आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका चेंजिंग टेबल व्यू, मतलब जिस तरह से हम टेबल को देख सकते हैं उसका व्यू। हम टेबल को दो तरीके से देख सकते हैं, एक होता है डाटा शीट व्यू और दूसरा होता है डिज़ाइन व्यू। डाटा शीट के अंदर क्या हम कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं, और डिज़ाइन व्यू के अंदर हम टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे दिखते हैं, ये है आपका बेटा डाटा शीट व्यू। स्विच टू डिज़ाइन व्यू फ्रॉम डाटा शीट व्यू, अभी आपको डाटा शीट व्यू दिया हुआ है, हमें इसको डिज़ाइन व्यू में चेंज करना है। डाटा शीट व्यू में देखिए कंप्लीट डाटा आपको दिखाई दे रहा है, नेम दिख रहे हैं सारे, क्लास दिख रही है, डांस दिख रहा है, शीट व्यू है। डाटा शीट को हम डिज़ाइन व्यू में चेंज करने के लिए सबसे पहले होम पर जाएंगे, फिर व्यू में जाएंगे और व्यू में से हम सेलेक्ट कर लेंगे डिज़ाइन व्यू को, तो डिज़ाइन व्यू हमें ऐसा दिखेगा। डिज़ाइन व्यू के अंदर हमें कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं दिखता, हमें क्या दिखता है, फील्ड के नेम दिखते हैं, नेम, क्लास, डांस, ट्रांसपोर्टेशन, फीज की, इसके बाद नेम हम टेक्स्ट में लिखेंगे, क्लास टेक्स्ट में लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस हमारे नंबर में आएगी, ये सारी डिटेल दिखती है कि हमें टेबल किस तरह की बनानी है, पर हमें रिकॉर्ड नहीं दिखता। अब हमें डिज़ाइन व्यू से हमें वापस से डाटा शीट व्यू में जाना है, तो क्या करेंगे, होम पर क्लिक करेंगे, व्यू में क्लिक करेंगे, उसके बाद एक हमारी मेन्यू खुलेगी और उसके बाद हम किस पे करेंगे, डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे, तो हम डिज़ाइन व्यू पर स्विच हो जाएंगे। इस तरह हम एक से दूसरे व्यू पर जा सकते हैं। एडिटिंग फील्ड इन अ टेबल, आप अपनी इस टेबल के अंदर में कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमें मान लीजिए कि कोई सी फील्ड का नाम चेंज करना है, कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है, तो हम कर सकते हैं। जैसे कि रीनेमिंग अ फील्ड, अगर आपका फील्ड का कोई नेम है, जैसे नेम लिखा हुआ है, हमें इसकी जगह स्टूडेंट नेम करना है, तो हम इसको रीनेम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक ऑन द फील्ड हुज नेम यू वांट टू चेंज, जिसका नाम हमें चेंज करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन आएगा आपके पास रीनेम फील्ड। रीनेम फील्ड के अंदर जो भी नाम होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आप टाइप ए न्यू नेम, आप नया नाम टाइप कर देंगे और एंटर कर देंगे। जैसे कि यह नेम था, सॉरी क्या था, डांस था, डांस की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, डांस टाइप या कुछ भी, तो हम डांस नेम, तो उसके अकॉर्डिंग हम नया नाम लिख देंगे और एंटर कर देंगे। एडिंग अ फील्ड इन द टेबल, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए टेबल के अंदर, तो वो भी आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फील्ड मतलब कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है,
जैसे नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, कुछ भी है, पर फादर नेम नहीं है, तो हम एक नया फादर नेम वाला कॉलम ऐड कर सकते हैं। हमें फादर नेम वाला कॉलम किसके बाद ऐड करना है, जैसे क्लास के बाद ऐड करना है, तो क्लास के ऊपर हम क्या करेंगे, किस भी फील्ड के बाद आपको नया कॉलम ऐड करना है, जैसे इसके बाद करना है क्लास के बाद, तो क्लास के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, एक मेन्यू खुलेगा, उसके अंदर हम क्लिक करेंगे इंसर्ट फील्ड के ऊपर। फील्ड पर जब हम क्लिक करते हैं तो एक नया फील्ड फील्ड वन के नाम से हमारे पास आ जाता है। अब हम इस फील्ड का नेम चेंज कर सकते हैं, कैसे, फील्ड वन के ऊपर राइट क्लिक करके, और एक मेन्यू खुलेगा, रीनेम में जाके उसका अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं और उसके अंदर कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं। जैसे कि हमने फील्ड वन का नाम फादर नेम दे दिया, तो उसमें हम उसी के अकॉर्डिंग एंट्री कर सकते हैं। डिलीटिंग अ फील्ड इन द टेबल, मान लीजिए हमें क्या नहीं चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन वाला कॉलम चाहिए ही नहीं, हमें डिलीट करना है ये फील्ड, तो हम इसको ईजिली डिलीट कर सकते हैं जब हमें कोई फील्ड नहीं चाहिए। क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द फील्ड डैट यू वांट टू रिमूव, हम मान लीजिए इस फील्ड को हमें रिमूव करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक ऑन डिलीट फील्ड, ए प्रॉम्प्ट बॉक्स अपीयर, जब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होगा और हम डिलीट फील्ड पे क्लिक करेंगे उसमें से, और क्लिक ऑन यस, और यस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एक्सेस है वो इस फील्ड को रिमूव कर देगा और इसकी सारी एंट्री भी रिमूव हो जाएगी। तो स्टूडेंट, इससे आगे का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ अभी आज के लिए बेटा इतना ही, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।